देखो भाभी, हर सुबह उठकर पहले आपको माँ और बाबूजी को प्रणाम करना होगा। इनका आशीर्वाद लोगी ना तो तुम्हारा दिन अच्छा गुजरेगा। बस बस बस, अब इतना भी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। देखो, मेरे लिए कॉफी, भैया के लिए ब्लैक कॉफी, भाभी के लिए कोल्ड कॉफी, बड़े भैया के लिए चाय, मामू के लिए दूध और बुआ के लिए गर्म पानी शहद के साथ। एक मिनट एक मिनट, कॉफी, ब्लैक कॉफी, कोल्ड कॉफी, चाय, दूध और गर्म पानी शहद डाल के, करेक्ट? वेरी गुड। इसके बाद नाश्ता, भैया के लिए आलू के पराठे, बड़े भैया के लिए गोभी के पराठे, भाभी के लिए मूली के पराठे और मेरे लिए सादे ही चलेंगे। आलू, गोभी, मूली और तेरे लिए सादा पराठा। हाँ, लेकिन इतना स्माइल करने की जरूरत नहीं क्योंकि बुआ और मामू हलवा भी खाते हैं। सुबह सुबह हलवा? जी हाँ, गाजर का हलवा और सूजी का हलवा। गाजर का हलवा और सू? एक मिनट, कहीं तो मेरी टांग तो नहीं खींच रही है ना? लेकिन नेहा तो देख, एक बार आकाश के साथ शादी हो जाने, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी। रहने दे, शादी से पहले बड़ी भाभी भी यही कहती थी, लेकिन हुआ क्या? मुझ पर भरोसा नहीं है तुझे? मैं तो तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, तो मुझे नहीं जानती? हाँ रितु, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब तू मेरी भाभी बनेगी। एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को खत्म कर देता है। नहीं, गलत। एक रिश्ता दूसरे रिश्ते की ताकत भी तो बन सकता है। नेहा देख, तेरा फेवरेट प्रोग्राम। आकाश, ये सब क्या चल रहा है? कहाँ क्या चल रहा है भैया? अपना नाटक बंद करो आकाश। नाटक? कौन सा नाटक भाभी? अच्छा, अचानक कि तुम्हें पुराने घर की याद कैसे आ गई? सुना वहाँ रेनोवेशन चल रहा है। अच्छा, तो आप लोग पुराने घर की मरम्मत को लेकर परेशान हैं। आकाश, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे घर वालों का तुम्हारे ऊपर इतना हक तो है कि वो जान सके तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? भैया, आप लोग घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? साफ साफ बताइए बात क्या है। आकाश, तुम शादी करने जा रहे हो, हमसे पूछना तो दूर, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। आकाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, आज तक तुमने अपनी जिंदगी का हर फैसला मुझसे पूछकर किया है, और आज ये शादी, तुम मुझे कैसे भूल गए आकाश? हाँ, आप लोगों को लगता है कि मैं पुराने घर की मरम्मत इसलिए कर रहा हूं ताकि शादी के बाद मैं और मेरी पत्नी वहां पर रहे? अच्छा, तो आप लोगों ने मेरे साथ नाटक किया। मामा, आप भी? अरे भाई, हम अब वो यहां तुमसे इतने पाप में बात करती हूं। अरे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमको तो पुराने घर में होना चाहिए था। अब तक शशि उन लोगों को लेकर वहाँ पहुँच गया होगा। अच्छा, बुआ, मामा, नेहा, चलो। हाँ, चलो भाई, चलो 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 चलो। अच्छा, हम लोग यहाँ रुक कर क्या करेंगे? हम भी चलकर देखते हैं कि आकाश के वो खास मेहमान कौन है। हम ठीक कहते हैं, चलते हैं। जल्दी चलिए। और ये आकाश कहाँ है? आकाश, ये देखो। आकाश बेटा, और कितना इंतजार करवाएगा? कहाँ है तेरे मेहमान? वह शशि गया है उन्हें लेने के लिए, आते ही होंगे। बेटा, अब रहा नहीं जाता, ये तो बता दो कि वो लोग हैं कौन। लगता आ गए। हाँ आकाश, तुम्हारे खास मेहमान आ रहे हैं तो हमने सोचा हम भी चलकर उनको वेलकम करें। कहीं नजर नहीं आ रहे, अभी पहुंचे नहीं क्या? नहीं नहीं,
आते ही होंगे, शशि उन्हें लेने गए। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते आकाश जी, कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक। आइए बाबूजी। आप हैं सहगल साहब, शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े विद्वान, और सहगल साहब आप हैं अक्षय भैया, आकाश जी के बड़े भाई साहब। आप हैं उनकी पत्नी निकिता जी, ये छोटी बहन है नेहा। हेलो। बुआ जी और मामा जी। नमस्ते। नमस्कार जी, आइए ना अंदर। हाँ? नहीं नहीं कुछ पता नहीं यार, देखा तो अकेले ही आ रहे हैं। आप लोगों ने मुझे बुलाया? आकाश मैं तुमसे कहना। आकाश, क्या यही वो मिस्टर सहगल है जिनके लिए तुम इतना परेशान हो रहे थे, जिनके लिए तुमने पुराने घर को रेनोवेट करा दिया और शशि को स्पेशली उन्हें रिसीव करने के लिए भेजा? आप कुछ समझ नहीं आई भाभी? क्या बात समझ में नहीं आई आप दोनों को? यही कि जो ये तुम्हारे खास मेहमान है यानी मिस्टर सहगल, इनमें ऐसी क्या खास बात है जिनके लिए तुम अपना सारा जरूरी काम छोड़कर उनकी खातिरदारी में लगे हुए? मिस्टर सहगल संगीत के बहुत बड़े विद्वान हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आकाश, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, पर मुझे लगता है अब तुम्हें अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। मिस्टर सहगल का ख्याल शशि रख लेगा। पर भैया, 3-4 दिन की तो बात है, उसके बाद मैं। आकाश, मैं जो कह रहा हूं वो करो, ठीक है? जी। पता नहीं आकाश को भी क्या हो गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई है। क्या? अरे एक आदमी के लिए इतना तामझाम, इतना सरदर्द। किसी भी इंसान को उसके पेशे से उसकी कीमत नहीं आंकनी चाहिए। ऐसा क्या है उस इंसान में, हाँ, जो आकाश अपना सारा काम धाम छोड़ के उसकी आभगत में लगा हुआ है? और तो और, जिस घर को किसी ने महीनों से नहीं देखा था उस घर की तो काया ही पलट के रख दी आकाश ने। मेहमान है वो, और मेहमान भगवान का रूप होता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस घर में कोई पहली बार मेहमान बन के आया हो। और वैसे भी ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उस संगीत के टीचर में? हमेशा बोलती रहोगी, कभी दिमाग से काम नहीं लेना ना। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस की कि आकाश सहगल साहब के आने के बाद उतना खुश नहीं रहा जितना उनके आने से पहले था? मतलब? मतलब ये कि शायद उसे किसी और का इंतजार था जो सहगल साहब के साथ आने वाला था, या आने वाली थी। साहब घर पे हैं? कौन साहब? अक्षय साहब को ही ना कह रहे हैं कि आकाश भैया को? अक्षय जी, उनसे कहो राम विलास चौबे आए। तो आप चौबे हैं? क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? जाओ साहब को जल्दी से बुलाओ। आप कौन जिला को भैया? आप तो हमारे देश के दिखते हो। देखिए, हम सीताराम केसरिया हूँ, वैसे यहाँ के लोग प्यार से हमें सीता कहते हैं, मुझे कि नहीं जी। देखिए सीता जी, जी हम आपको अपना नाम तो बता ही दिए। दुबे जी। जी नहीं, चौबे, राम विलास चौबे। हाँ चौबे। हाँ, तो आप हमारा नाम तो अब जानते ही हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि वैसे तो हम जिला भागलपुर से हैं, लेकिन इस वक्त सीधे मंत्रालय से आ रहे हैं। तो अब अगर आपका कृपा दृष्टि हो तो अक्षय जी को जाकर कहिए कि मंत्री जी के सेक्रेटरी आए। तो आप सेक्रेटरी हैं? जी। आप तो बहुत बड़ी आदमी हो साहब, वो भी हमारे देश से। अरे सीता, किससे बात कर रहे हो? अरे चौबे जी,
बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। अरे दरवाजे पे ही आपके सीताराम जी ने हमारा इतना बड़ा इंटरव्यू ले डाला कि अंदर आने का मौका ही नहीं मिला। सीता, तुम्हारी बकबक करने की आदत गई नहीं, तुम्हें पता नहीं मेहमानों से कैसे बात करते हैं। अब ये वो छोड़ो, जाओ कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। सीता ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं, प्लीज कम इनसाइड। जी प्लीज बैठिए। थैंक यू। देखिए अक्षय जी, मैं यहाँ पर सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि आज शाम के शो की तैयारियाँ पूरी हो गई हैं या नहीं। अरे चौबे जी, सब तैयारियाँ हो गई हैं, ऑलमोस्ट सारा इंतजाम हो गया। खाने लीजिए। थैंक यू। ये शाम मंत्री जी कभी भूल नहीं पाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ एक बात और, मंत्री जी की एक खास गाने के बारे में फरमाइश है, वो चाहते हैं आकाश जी वो गाना जरूर गाएं। जी बेशक, बताइए। गाने के बोल हैं, तन्हाइयां हैं दोस्त मेरी, रात मेरी रह गुजर। जी हाँ बिल्कुल भाई। आप एक काम कीजिए, ये लिस्ट रख लीजिए, इसमें मंत्री जी की पसंद के सारे गाने। जी बहुत अच्छा। चौबे जी, इसमें तो कुछ कॉम्पोजिशन आकाश की नहीं है, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। अक्षय जी, सिर्फ इतना जान लीजिए, अगर मंत्री जी खुश हो गए तो उनसे ज्यादा दिलदार आदमी कोई नहीं है। बाकी आप देख लीजिए। अच्छा मैं चलता हूं। नहीं नहीं, फिर कभी। अभी मुझे कई जगह जाना है। मंत्री जी से कहिएगा सब तैयारियां एकदम पूरी हो गई। बिल्कुल। बाबूजी के साथ मुंबई नहीं गई हमने? इसलिए तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ। मैं मुंबई नहीं जाना चाहती। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों आई हमने? नहीं जाना चाहती, मत जाओ। असल में मैं जानती हूँ कि बाबूजी नहीं चाहते कि मैं मुंबई जाऊँ, इसलिए मैंने अपना इरादा ही बदल दिया। पर मुझे लगता है यामिनी, तुम्हारे मन में अभी भी कई सवाल बाकी हैं। मुझे अब तक अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। मैं जानती हूँ कि बाबूजी मेरे मुंबई जाने के खिलाफ हैं, पर वो बताना ही नहीं चाहते क्यों, और मैं अपने सवालों के जवाब चाहती हूँ। यामिनी, आजकल तुम्हारी हर बात मुंबई से शुरू होती है और मुंबई पे खत्म हो जाती है। यामिनी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या? यामिनी, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करती हो। एक ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं मालूम कि दुनिया में हर एक चीज की एक कीमत होती है। एक ऐसा बच्चा जिसने बादलों के पीछे चांद तो देख लिया और जिद ऐसी करे कि जब भी चांद को देखे यही कहे कि मुझे चांद चाहिए। बात को समझने की कोशिश करो यामिनी। हाँ समीर, तुम शायद ठीक ही कह रहे हो। आज से मैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? यामिनी, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद जरूर करूंगा, लेकिन आज नहीं। क्यों? अरे यार, मैं अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म करके उठा और मेरा किताबों के नजदीक जाने का बिल्कुल इरादा नहीं। कल से शुरुआत करते, आज छुट्टी। ओके यामिनी। हाँ। एक आइडिया आया। अचानक तुम्हें क्या आइडिया है? चल ट्रैक पर चलते हैं। एक्सीलेंट, पर उससे पहले मेरे घर जाना होगा, राइट? ओके।
अरे आकाश, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ। मैं तो बस ऐसे ही इस तानपुरे के सुर मिलाने की कोशिश कर रहा था। अगर घर में कोई साज हो और वो बेसुरा होना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बाजी, जब से माँ का सरकास हुआ है इस तानपुरे को किसी ने नहीं छुआ। अच्छा हुआ आज आपका हाथ लगा तो इसमें जान आ गई। और ये घर फिर से एक बार सुरों से भर गया। लेकिन आकाश बेटे, आजकल शास्त्रीय संगीत को कौन पूछता है? आजकल का संगीत तो इलेक्ट्रॉनिक गिटार और सिंथेसाइजर के नकली सुर और विदेशी वाद्यों का बेतुका शोर है। अब संगीत में वो पहले वाली बात कहाँ, जहां तानपुरे के सुरीले सुरों की आवाज ही आपके मन को आत्मविभोर कर देती है। बाबूजी आपने बिल्कुल सही कहा। जब से मैंने होश संभाला है इस तानपुरे के सुरों से ही संगीत को जाना है। आप जानते हैं जब भी माँ गाया करती थी ये तानपुराओं के साथ होता था। मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ और अपने गुरुजी पंडित सुदर्शन साय से सीखा। आकाश, तुम कितने भाग्यशाली हो बेटे जो तुम्हें इतने महान गुरु से सीखने का अवसर मिला। बाबूजी, मैंने गुरुजी से सीखा है कि सांस कोई भी हो लेकिन सुर और ताल पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। कोई भी धुन हो, राग हो, लेकिन उसमें सबसे जरूरी होती है उसकी आत्मा। जब सुर कानों से होकर दिल को छू ले तब जाकर संगीत बनता है। वाह आकाश, मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम मुंबई में रहकर भी संगीत के बारे में इतने अच्छे विचार रखते हो। जी बेटे, धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते। बाबूजी हम लोगों को देरी हो रही है, सम्मेलन के लिए चलना है। चलो मैं तो तैयार हूँ। हाँ बाबूजी, आपको चलना चाहिए, आज पहला दिन है, वो लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो आकाश भाई, तुम्हें भी तो निमंत्रण भेजा है। नहीं बाबूजी, आज के लिए माफी चाहता हूँ, आज मुझे जरूरी काम है। आप शशि के साथ चलिए, ये आपको छोड़ देगा, मैं आपके साथ कल चलूंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। आओ शशि, चल। मौसा जी, हमें क्यों नहीं लेकर गए मुंबई? वहाँ उनका ख्याल कौन रखेगा? क्या बात है, आज मौसा जी की बहुत चिंता हो रही है तुझे? नहीं, थोड़ी बहुत टेंशन तो हो ही जाती है ना, साथ गए थे मुंबई तो कितना मजा करते। तुझे मजा करना है ना, तो एक काम कर, कल से रसोई में आना मेरे साथ, मैं तुझे रोटी बनाना सिखाऊंगी। इतना मजा आता है रोटी बनाने में कि मुझे नहीं बनानी रोटियां छोटियां। दीदी को देखो कितनी उदास हो गई है मौसा जी के बिना। दीदी की छोड़ और तू अंदर कमरे में जाओ सो जा, सुबह उठाओ तो नींद ही नहीं खुलती, कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है, कान पर जू भी नहीं रहती तेरे। जा अंदर सो जा। मौसी मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? मौसा जी के साथ गए होते तो कितना मजा करते मुंबई में, वहाँ आकाश जी भी हैं, शशि बाबू भी हैं। जी नहीं सुननी तेरी बातें, अंदर जाओ और सो जा। मौसी बताइए ना, क्यों नहीं लेके गए हमें मुंबई? वरुण, ये क्या मुंबई की रट लगा रखी है? मुंबई नहीं गए तो मर नहीं जाएंगे। मुंबई मुंबई,